विदिशा जिले के गंज बासोदा ग्यारसपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा शुक्रवार को त्योंदा ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों में पहुंची, जिसमें निशंक जैन ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही विधानसभा क्षेत्र में किसानों को नहर, तालाब, बिजली की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का वचन दिया है। साथ ही युवाओं को डेयरी उद्योग से जुड़ने का वचन भी दिया। क्षेत्र के किसानों ने पूर्व विधायक को अपनी अपनी समस्या बताई गई, जिस पर निशंक जैन ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही हम हर समस्या का हल करने का प्रयास करेंगे। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। पहला वचन था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2 लाख तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। पहली किस्त में ओवरडी किसानों के 2 लाख तक के कर्ज भी माफ किए गए, दूसरी किस्त में 1 लाख तक के ड्यू किसानों के कर्ज माफ किए गए। इसके बाद सरकार गिर गई। कमलनाथ जी ने पहले बच्चियों की शादी में कितने पैसे मिलते थे? 25,000। कमलनाथ जी ने 51,000 रूपये किए और 25,000 में भी 15,000 रूपये का बच्ची को सामान मिलता था, जिसमें जनपद में भाजपा के नेता दलाली खाते थे। कमलनाथ जी ने कहा ये नहीं चलेगा, सीधा बेटियों के खाते में 51,000 रूपये देंगे। नौजवान साथियों, निश्चित तौर पर सुमेर की इस बस्ती को ना मैंने कभी छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। चाहे यहाँ की बिजली की बात हो, बिजली कौन न कराई है, कराई थी ना, है ना, दड़ेगम कराई थी ना। तो और पिछली बार यदि चुनाव नहीं हारता तो तुम्हारी बाकी समस्या भी निपटा देता हूं। क्या तुम्हारी रोड की नाली कौन न कराई थी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।